गुड मॉर्निंग इंडिया मित्रों, सुबह के 7 बज चुके हैं और आपकी क्लास शुरू हो चुकी है यूपी टेट एंड सीटेट की। आज की क्लास में हम देखेंगे प्रतिशतता। प्रतिशतता का बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट जीरो लेवल से, ठीक है? तो जिसको भी प्रतिशतता के चैप्टर नहीं आते हैं, प्रतिशत निकालना नहीं आता, वो बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जाए। Power is love. आज आपको प्रतिशतता के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। ध्यान दीजिएगा, आप हमें दीजिएगा शुरू के आपके 5 मिनट और आप प्रतिशतता कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें नए नए हैं तो, और वीडियो को लाइक अवश्य करें। और हाँ, क्लास समझ में आएगी तो अपने मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, फेसबुक पेज को अवश्य लाइक करें पीबीआर स्टडी के। और हाँ, अब अनअकैडमी पर फॉलो करना ना भूलें। पीबीआर स्टडी की अधिकतर लाइव क्लासेज अब अनअकैडमी पर होने लगी हैं, यूट्यूब पर क्लासेज कम होती हैं। तो ध्यान रहे, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से पीबीआर स्टडी को अनअकैडमी पर फॉलो करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप्स डाउनलोड करें। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको केवल और केवल पढ़ाई से संबंधित चीजें मिलती हैं। एक बार ट्राई करके देखिएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है? तो 5% का मान क्या होगा? देखिए दोस्तों, रियल में प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत देखिए, अगर इसे हम तोड़ें तो ये होता है प्रति और प्लस क्या होता है सत। सत मतलब क्या होता है? 100। प्रति मतलब एवरी जिसे बोलते हैं, यानी कि प्रत्येक, यानी कि प्रत्येक में, प्रत्येक 100 में कितना, मतलब समझ रहे हैं? मतलब कि 100 में कितना, जैसे कि हमने कहा आपको कि 100 रुपए में आप मुझे 10 रुपए दे दीजिए, मतलब 100 का 10 रुपया, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने मुझे 10% दे दिया, यानी कि 100 में कितना दिया, समझ में आया ना? जैसे अगर हमने कहा 200 रुपया, तो 200 का 20%, 200 का 20%, मतलब कि 200 को पहले आप 100 100 में तोड़ लें तो 100 हो गया और 100, ठीक है? 20% का मतलब हुआ कि 100 से 20 रुपया, और दूसरे वाले 100 से भी 20 रुपया, मतलब समझ रहे ना? यानी कि इसमें से 20 और इसमें से क्या 20, यानी कि क्या हो गया 40, और 200 का जो 20% होगा वो क्या होगा? 40 होगा, समझ गए ना? अगर यहां पर मैं लिखूं 300, 300 का 10%, तो क्या होगा? 300 का 10% का मतलब हुआ कि जो 3 बार 100 है इसमें शामिल, प्रत्येक 100 से 10 10 रुपए में निकालना है, समझ रहे ना? प्रत्येक 100 से 10 10 रुपए, तो 300 का 10% क्या होगा? पहले तो आप इसे 100 100 अलग कर लें, 300 का 10%, इसमें से 10 निकाल लें, इसमें से भी 10 ले लें, इसमें से भी 10 ले लें, और इस तरह से आपका 300 का 10% क्या होगा? 30 होगा। लेकिन होता कैसे है? अगर हमने आपको 1000 कह दिया तो आप 100 100 कैसे लिखेंगे भाई? बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके लिए सूत्र होता है, तरीका होता है, तो चलिए उस पर चलते हैं, ठीक है? देखिए ये बात हम जो कर रहे हैं, प्रतिशतता क्यों कैसे होता है, जैसे अगर हमने आपको कहा, ध्यान दीजिएगा, अगर हमने आपको कहा, क्या कहा, क्या कहा भाई? 300 का 10% का मान होगा, कितना होगा? सभी लोगों ने देखा 300 का 10% का मान 30 होगा, लेकिन कैसे होगा? सूत्र से। तो इसको क्या करते हैं बाबू, ये 300 है, गुणा का चिन्ह लगाते हैं, 10% मतलब 10 को 10 लिख देंगे, और प्रतिशत का चिन्ह हटा के इसे क्या करते हैं, 100 से भाग कर देते हैं। बात समझ में आई ना? अब क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट दो भाई, और एक जीरो से एक जीरो इसमें कभी काट दो, बराबर क्या बचा? 30, यानी कि 300 का 10% कितना होगा? 30 होगा। ये सूत्र वाला तरीका है। बाकी आपने भी देख लिया था कि हमने 300 को बार बार तोड़ दिया था ना। अब इस तरीके में आप बड़े बड़े नंबर को भी ले सकते हैं, क्योंकि वो सूत्र वाला जो तरीका बेसिक वाला था उसमें आप बड़े नंबर लेते तो आपको प्रॉब्लम हो जाती। जैसे हमने लिखा 1000, 1000 का 10% कितना होगा? ऐसे सिंपल में आप 1000 लिख दें, गुणे 10 बटा 100, ठीक है? अब काट दीजिए, देखिए बहुत आसान होता जीरो वाला, एक जीरो यहां से काटिए, एक जीरो यहां से, अभी एक जीरो और बचा है इसमें, इसको काट दो, उसको काट दो, तो कितना होगा? 1000 का 10% 100 रुपया होगा, 100 रुपीज। अगर आप किसी से 1000 कर्जा लेते हैं, वो 10% आपके इंटरेस्ट लेता है, ब्याज लेता है, तो आपको 1000 रुपए में 100 रुपए पर महीने देना होगा, समझ में आई ना? और हाँ, ये तो इतना सा था, अभी हमने लिखा था 5% का मान कितना होगा, इसमें तो कुछ था ही नहीं, मतलब इसमें तो पूर्णांक है ही नहीं, जैसे इसमें है 1000 ना, इसमें तो कुछ भी नहीं है, फिर क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, बस वही करेंगे जो यहाँ पे करने के लिए खड़े हैं। देखिए ये क्या, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए हमेशा 100 से भाग किया जाता है, प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए हमेशा 100 से गुणा किया जाता है, याद रखिए, ठीक है? तो इसका उत्तर होगा 5 एकम 5, 5 और ये कितना हो गया 20, यानी कि 1/20 इसका उत्तर होगा,
और 1/20 इसमें कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। इसे आप दशमलव में भी चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें से कोई ऑप्शन तब भी नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई ना, सभी को क्लियर है? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो निसंकोच वो कमेंट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी दिया गया, आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप दूसरा क्वेश्चन देख लें अगर, तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे ये। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? अगर हमने लिखा 25% का मान होगा, 25% का मान कितना होगा तो आप लोगों को बताना होगा। ठीक है, तो कितना होगा? 1/3 होगा, 1/2, 1/4 या 1/9, कितना होगा? सिंपल सी बात है, प्रतिशत हटाएंगे तो इसे 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे तो 25 चौका 100, 25 से कम 25, 1/4 होगा आपका ऑप्शन वाला जो है ना, सी वाला होगा। हो गया ना, जल्दी से नोट कर लें। जो लोग नहीं लिख पा रहे ना वो लोग वीडियो को थोड़ा रोक करके लिख लें पीछे करके। ठीक है, आप लोग वीडियो को रोक करके लिख लें क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है आपका, इसलिए हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। प्रतिशत का चिन्ह लगाना हो तो क्या होगा? ठीक है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, 8 कुछ भी लिख दो भाई, नंबर से कोई मतलब नहीं है, केवल सिंबल के लिए नंबर लिखता हूँ। ठीक है, देखिए अगर हमने यहाँ पर लिखा कि 4 का मान, या फिर ऐसे 4 को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, 4 को प्रतिशत में बदलिए। अब देखिए 4 है 4, इसमें प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगा, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो इसका पहला जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100%, दूसरा 200%, तीसरा आपका ऑप्शन हो जाएगा 500%, और चौथा हो जाएगा 400%। कितना होगा? हमने आपको बताया था प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं, तो क्या होगा? ये 400% हो जाएगा। बात समझ में आई? मतलब कि 4 को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या होगा? 400%। 400% जो आया ना, आप इसे चाहें तो फिर से पुनः कन्वर्ट कर सकते हैं 4 में। कैसे? अब आपको कोई बोले कि 400% का मान निकालिए तो क्या होगा? 400 आप कर सकते हैं और गुणा क्या करेंगे? 400% का मान निकालना है ना, क्या करेंगे? प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो 100 से भाग करेंगे भाई, जो नंबर दिया गया है यानी कि 400 में जब आप 100 से भाग करेंगे तो इक्वल क्या आएगा? फिर से 4 आ जाएगा। बात समझ में आई? प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए 100 से गुणा करेंगे और हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे। समझ गए ना? क्लियर? अगर कोई कंफ्यूजन है तो निसंकोच आप हमें बोल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको बहुत से नंबर और बहुत सारी डिटेल दी गई है, आप कहीं भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्लस, यूट्यूब, पीवीआर स्टडी की वेबसाइट, ईमेल, फोन नंबर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कहीं भी। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर हमने कहा कि 3 को प्रतिशत में बदलिए तो 3 को प्रतिशत में बदलेंगे कैसे? 3 को सिंपल में 100 से गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा 300%। बात समझ में आई? 3 का प्रतिशत मान कितना होगा? 300%। अगर आपसे कोई बोले कि 300% का मान निकालिए तो क्या करेंगे? 300 को 100 से भाग कर देंगे और ये कट जाएगा, बराबर 3 आ जाएगा। यानी कि जब प्रतिशत का चिन्ह लगाना था तो 100 से गुणा किया और हटाना है तो 100 से भाग करेंगे। बात समझ में आ गई ना? जल्दी से नोट कर ले, तुरंत देर ना करें, और जो लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए ना तुरंत लाइक कर दे बाबू, जल्दी से लाइक करें। ठीक है, और हाँ चलते चलते आपको बता दें, अगर आपके कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप लोग यूट्यूब पर ही कमेंट करें, जो भी आपको कमेंट करना है अच्छे या बुरे हमारी क्लासेज के बारे में आप लोग यूट्यूब पर कमेंट करें। बहुत से लोग व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेज करते हैं, हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। याद रखिएगा सबसे पहले जवाब आपके यूट्यूब के कमेंट का मिलता है। व्हाट्सएप पे जो लोग मैसेज भेजते हैं सोचते हैं हम पर्सनली भेज दिए तो पहले जवाब मिल जाएगा, व्हाट्सएप का रिप्लाई सबसे बाद में होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले यूट्यूब में कमेंट करें, दूसरा नंबर ईमेल पर अपने विचारों को भेजें, और हाँ आप अपनी पढ़ाई से संबंधित हर एक समस्या के समाधान के लिए विजिट कर सकते हैं आपकी अपनी वेबसाइट pbrstudy.com। ठीक है, .com या .in आप कुछ भी लगा के यूज कर सकते हैं, और अगर आप इन वीडियोज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं आपके अपने मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, कहीं से भी pbrsongs.com, और एसटीडी यानी कि एजुकेशनल कैटेगरी के अंतर्गत आपको वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो क्या विजिट करना है? pbrsongs.com, songs लगाना है, सॉन्ग्स। ठीक है, बात समझ में आई? और हाँ आप आर्टिकल, PDF फाइल वगैरह वगैरह सब कुछ पा सकते हैं, उसके लिए विजिट करेंगे vidyacc.com। इन्हें याद रखिएगा,
और आप हमसे हमेशा जुड़े रह सकेंगे। अपने क्वेश्चनों को आप ऊपर दी गई ईमेल आईडी pbrstudy@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। हम सैटरडे और संडे को आपके सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। और चलते चलते आपको बता दें, सुबह भी हमने बताया है, जो लोग आगरा से बिलोंग करते हैं वो लोग आज दोपहर 1 बजे से लेकर, सॉरी 11 बजे से लेकर के 1 और 2 बजे के बीच, यानी कि 2-3 बजे तक लगभग में ताजमहल के पास यानी कि आगरा में मिल सकते हैं। उन सभी की बातों को हम चैनल पर पब्लिश करेंगे और हम लोग मिल करके वहाँ पर कुछ प्रोग्राम आपको दिखाएंगे। थैंक यू। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, स्क्रीन पे दिया गया, आप लोग नंबर लेके कॉल कर सकते हैं।